قیامت نہیں ہوگی ہم سے کیونکہ دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے. پانچ ہزار کے لیے بمبئی میں مٹر ہوتے ہیں, لفظ سپاری کیا باندھا ہے ابرار کاشی بنے. اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری, اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری. کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری, شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں. حسین بھائی, تمہاری آنکھ میں ایک پل سما کے دیکھ سکوں, کیونکہ اور 50 پروگرام میرے کوکن میں ابھی مجھے گانے ہیں, اور 17 سال میں کم سے کم 3 لاکھ غزلیں میں نے کوکن میں پڑھی ہیں. نہ جانے اور کتنے دن کوکن کا سفر کرنا ہے کہ تمہاری آنکھ میں ایک پل سما کے دیکھ سکوں. اے کاش خود کو میں سپنا بنا کے دیکھ سکوں, تو دفن ہے میرے دل میں مگر کہاں فرصت کہ تیرے چہرے کو مٹی ہٹا کے دیکھ سکوں. یہ ہے تمہاری آنکھ میں پل سما کے دیکھ سکوں. اے کاش خود کو میں سپنا بنا کے دیکھ سکوں, تو دفن ہے میرے دل میں مگر کہاں فرصت کہ تیرے چہرے کو مٹی ہٹا کے دیکھ سکوں. اور یہ میں نے کل کے لیے, آج کی محفل کے لیے یہ کچھ شعر میں نے نکالے تھے. قسم خدا کی بیٹا عرفان, کہانی جس کی تھی اس کے ہی جیسا ہو گیا تھا میں. کہانی جس کی تھی اس کے ہی جیسا ہو گیا تھا میں, تماشا کرتے کرتے خود تماشا ہو گیا تھا میں. اور بتا دی عمر میں نے جس کی ایک آواز سننے میں, بتا دی عمر میں نے جس کی ایک آواز سننے میں, اسے جب بولنا آیا تو بہرا ہو گیا تھا میں.
एक कल मैं एक मुशायरे में गया था चीफ जस्टिस तो वहाँ एक शायर से मुलाकात हुई जुबैर में, क्या शेर उसने कहा था, सिर्फ दो तीन शेर मैंने कैच किए उसके, लेकिन अजीब थी मेरे नौशाद भाई से कि पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियां होगी अगर आसान समझेगा, और किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत के, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। शायर है मेरे दोस्त अखलाक अफरोज, उसने एक मतलब भेजा है, ये सोचा ही नहीं था वो अकेला छोड़ जाएंगे, ये सोचा ही नहीं था वो अकेला छोड़ जाएंगे, लगा कर मेरे दिल पर, लगा कर मेरे दिल पर जख्म गहरा छोड़ जाए। आपने हमारे रहमान भाई से तवज्जो और नौशाद भाई ने मेरी वही धैर्य की गजल सुनाई, एक शेर उनका सुना रहा हूँ, ऐ ज़ालिम प्यार से एक बार कह कर देख तू हमसे, आईना कब बना होगी मुझको, नौजवानों से तवज्जो, हालांकि मैंने सुन्नत रखी है लेकिन आज भी मैं नौजवानों का कव्वाल हूँ हो गया, आईना कब दिखाओगी मुझको, जादी बाबू है, आईना कब दिखाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको, अपना कंगन
तुझसे किस दिन मिलेगी मुझको, अपना कंगन समझ रही हो क्या, और कितना घुमाऊंगी जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, गली के मोड़ से आवाज देके लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। अगला शेर इतने हैं कि अगर तीन दिन भी इस स्टेज पर बैठूं तो खत्म नहीं होगा, कसम खुदा ने, इतने शेर हैं। लेकिन ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, समीर का बहुत अच्छा लगा, कि कभी भी याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे, कभी भी याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे, मैं जब मरूं भी तो हरगिज खबर ना आए तुझे। ए खुदा करे के भरी बारिशों में हम बिछड़े, कि मेरी आंख में आंसू नजर ना आए तुझे। सारी रात में ऐसा शेर नहीं सुना होगा। तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के जाता है जाने के। अजीम भाई कभी कभी ऐसा शेर होता है, कसम होता है। तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के जाता है जाने क्यों। सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है रात काटी है, माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे चंद्र
आंसू निकल आए, क्या सच्चाई कही है?
गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, और किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, और किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। तुम्हें है शौक दिल से खेलने का, खेलते रहिए, तुम्हें है अजीम भाई, किसी हंसी को खुदा इतना भी शवाब ना दे, किसी हंसी को खुदा इतना भी शबाब ना दे कि मैं सवाल करूं और वो जवाब ना दे, कि मैं सवाल करूं और वो जवाब ना दे, मेरे ही देखे हुए ख्वाब टूट जाते हैं तो मेरी आंखों को अपना कोई भी ख्वाब ना दे। हम अहले दिल हैं, कलेजा संभाले बैठे हैं, मोहब्बतों के कई जख्म पाले बैठे हैं, और तेरी निगाह ने रस्ते नए निकाल दिए, हम आज तक तेरी यादें संभाले बैठे हैं। ये बात सच है तेरे बहुत करीब हूँ मैं, मगर ये सच है किसी और का नसीब हूँ मैं, फिर उसके बाद कोई खत नहीं लिखा उसने, किसी से सुन लिया होगा बहुत करीब हूँ मैं। बच्चे ने फरमाइश की है, एक ऐसा शायर था पाकिस्तान में कि जिसके आते ही बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े मिनिस्टर खड़े हो जाते थे, और जिसके जिस्म पर सही ढंग के कपड़े भी नहीं थे, बड़ा मजबूत शायर था जॉन एलिया, उसका शेर पढ़ने की फरमाइश की है। शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, अरे नाज से काम हम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जीत मगर ये सब क्या है, आप वो जीत मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। क्योंकि मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बच्चों के लिए
सुना रहा हूँ बेटा, ये नेट पे चला जाता है, घर में बड़ी परेशानी होती है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सुना देता हूँ, लेकिन मेरे घर में बड़ी परेशानी होती, फिर भी सुना रहा हूँ। तो मुझे चाहूंगा नई सरकार के इनाम की खैरात जैसे हैं, किसी मजलूम की भेजी हुई सौगात जैसे हैं, तेरे होठों पे जो मुस्कान है दिल्ली के जैसी है, और मेरी आंखों में जो आंसू है वो गुजरात जैसे है। एक शेर आखिरी पढ़ना चाहूंगा। तुम अपने आंसुओं से सींच कर इसको बड़ा करना। यहाँ जब मैंने कदम रखा इस सरजमीन पर, तो इरफान ने एक गजल की फरमाइश की थी, वो गजल के दो तीन शेर सुना रहा हूँ जो हिंदुस्तान में मकबूल हुई। तवज्जो चाहूँ पसंदीदा गजल है।